रहमान रहीम अल्लाहुम्मा कुन्ने वली कल हुजत इब्न अल हसन अस्करी अलैहि सलाम सलवात सलवातु अलैहि व अला बाहि फियादे साथ व फी कुल साथ साथ लैल व नहार वलीन व हफिजन व कायदन व नासिरन व दलीलन व تذکر نہ ہو ارزقات ون و تمتیہ فیھا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلوات اتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں اونچی آواز نال سارے تلاوت فرما صلوات دی जिक्र सोना जिक्र दे बारे सोने सोनी आवाज नाल सोनी सलवात इस्तकबाले रूहे मासूमीन वास्ते खां बंद करके सलवात नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरिया हुसैनियत यजीदियत आले मोहम्मद दुश्मन ते लानत ऐसी सलवात पढ़ो मां हुसैन दी राजी हो जावे मालिक अल्लाह तोड़े टोड़े कबूल फरमावे सदात उदामनी मालिक दी उठी मेहनत कबूल फरमावे जड़े अमीन नी प्यादे मालिक अमीन आखण दी तौफीक अता फरमावे शबीर मजलूम दा सदका वे घरां नूं मौला घर अता फरमावे बेरिज़कियां नूं रिज़्क अता फरमावे बेगुनाह कैदियों नूं मालिक रिहाई अता फरमावे जड़े अमीन ने प्यादे मौला अमीन आखण दी तौफीक अता फरमावे कई 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 वार हर मासूम दी जवारी नसीब फरमावे हक और बातल दा फैसला हो जावे परवा मौला आवे अज़ीज़ बादशाह जी नलैन ते बोसा लै सके आमीन या रब्बुल आलमीन उची सलवात तिलावत फरमाओ ते मैं नौकरी शुरू वादा वफा हो गया जनाब दी ज़ियारत हो गई कायनात जिवें कुरान एक के पढ़न वाले लखा है वैसे ही कायनात हुसैन भी एक है भाई मैनू वेखना वैसे ही कायनात हुसैन भी एक है पढ़न वाले लखा लेकिन फर्क है कुरान नू हर कोई पढ़ता है हुसैन नू हलाली पढ़ता है क्या बात है थोड़ा जा मेरा साथ देना मैं दो गल कर मजलिस मुकम्मल करना चाह रहा वादा वफा मखसूस है यामिन वाला मेरी तबीयत इस काबल नहीं लेकिन क्योंकि वादा किया पूरा करने वास्ते जनाब दी नौकरी हो गई हुसैन करीम के डर मैं फिर दोहरा रहा जो समझे थे कायनात जिवें कुरान एक पढ़ने वाले लखा वैसे ही कायनात हुसैन भी एक पढ़ने वाले लखा मैं अगे अर्ज की फर्क है कुरान नू हर कोई पढ़ता है हुसैन नू हलाली पढ़ता है हुसैन करीम के डर हुसैन बादशाह के डह गमे जहां का मदावा कोई नहीं करता ये काम तेरे अलावा कोई नहीं करता रसूल होने का दावा तो बहुत करते हैं हुसैन होने का दावा कोई नहीं हर मातमी दहा तो चावे सारे बोलो हैदरी को समझ आ रही है जी मेरी गल बड़े बड़े नौकर शहीदां दे बूहे थे बड़े बड़े नौकर ऐसे ऐसे नौकर जिन्हें शान पड़न लगी है तो कम अज कम कुछ दिहाड़े नहीं महीने नहीं साल लग जा बाबा ये नौकरों की गल हो रही है बड़े बड़े नौकर मैं सदके जा बड़े बड़े नौकर चलो बुजुर्गों की गल की तैयारी कर देने बड़े बड़े नौकर कोई सूरज चढ़न नहीं देता जो सिर हिला रहे हो मौला शिफा दे मैं तो शिफा ही मांग क्योंकि सिर हिलाना बीमारी है बोलना इबादत है चलो बुजुर्गों तो छूट त्रगड़े अच्छा पढ़ तो जो है जना मेरे पास बड़े बड़े नौकर बड़े बड़े नौकर कोई सूरज चढ़न नहीं देता कोई लाण नहीं देता बाबा जी कोई जन्नत वेच वो बंदे टुर पे जाके सरकार नु आके सरकार बहलोल दे कम वेखे वो कहते आओ तो जन्नत ले लो भला जन्नत भी कोई बेचता है तो सरकार फरमायो अपने हिस्से की बेच रहे तो तुहानू कि तकलीफ है
ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੈ ਵੇਚੇ ਰੱਖੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਐਸਾ ਨੌਕਰ ਹਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਘਣਾ ਜਦੋਂ ਆਖਣੇ ਅਲੀ ਹੱਕ ਹੈ ਲੰਘ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਪੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਨਾਮ ਮੈਮੂਨਾ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਿਆ ਤਾ ਇਤਨਾ ਮਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਿਆ ਤਾ ਤੋ ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਮੈਮੂਨਾ ਉੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਵੀ ਮੁਹਰਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦਿਲ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਚ ਆਇਆ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੋ ਫੌਰਨ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੀ ਫੈਲਦੀ ਜ਼ੰਜਬਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜ਼ੰਜਬਾਰ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ੰਜਬਾਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੋ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਚ ਆਖਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਪੇ ਪੜਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਜ਼ਹਰ ਅਬਾਸ ਸੁਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯਕਮ ਜੂਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਭਾਈ ਜ਼ਹੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਜਾਓ ਪੜ ਲਓ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਬਾਨੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ੰਜਬਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈਦਰੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇ ਪੜਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤਵਜੋ ਜਨਾਬ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਹਿਣ ਫਰਮਾਰੇ ਖਿਦਮਤ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕੋ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕੋ ਮੈਂ ਲੋਗੋ ਅਜ਼ਮਤੋਂ ਕਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰੂੰਗੀ ਦੂਸਰੀ ਸਤਰ ਚ ਕਸੀਦਾ ਅਗਰ ਕੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਮਝੇ
फिर दुरारे सेन फरमारे खिदमत सही अदा को मैं खिदमत का हवाला करूंगी, खिदमत सही अदा को मैं खिदमत का हवाला करूंगी, खिदमत सही अदा को मैं खिदमत का हवाला करूंगी। जिसे अली ने संभाली है दुनिया उसके बच्चे संभाला कर। मैं सदके जावा थोड़ी नस्ल आबाद होवे यार। उच्चा नारा है दरी, फिर बोलो है दरी, फिर बोलो है दरी। जिसे अली ने संभाली जहां अपने अल्लाह की मर्जियों से जो अली पालता है जहां को। मेरा दिल ले भी मैं इतने पवा को मैंने इन्ना पसंद है नसर कर करके तुम दई इन्होंने रल के तुम दस दे। कोई एडी वक्री गल सहन फरमा रहे हैं अपने अल्लाह की मर्जी से जो अली पालता है जहां। जिसने पाली है आदम की नस्ल उसकी औलाद पाला कर। हर मातमी हाथ उठा करे बोले है दरी। क्या बात है यार। तू जिसने पाली है आदम की नस्ल उसकी औलाद पाला करेगी। बीबी तू जो चावे कर सकती है बादशाह जो ही। बीबी हुण ये दस भी तू इत्थे शाही छोड़ के ते फिर मदीने जाके नौकरानी बनना ही ना। सैन फरमाया ना खबरदार नौकरानी में सिर्फ सजदा दी है। मदीने वाले सजदा दी खबरदार मैं नौकरानी नहीं आखना। उन्होंने आख्या बीबी जिथे जा रही है ना जिथे वो कोई सूरज चढ़न गल याद कोई सूरज चढ़न नहीं देंदा कोई लहन नहीं देंदा। अगर बंदा मां दी गोद चुशी है भाई समझ ले सच्चे तो फिर शेर दी समझ आके ना बोलिया। तू जानते बीबी जाने मैं पैदा सैन फरमाया सुन लो वो घराना है आले नबी का चांद सूरज भिखारी है दे। वो घराना है आले नबी का चांद सूरज भिखारी है दे। इज़्ज़त दे कर दरे सैयदा मैं ही सूरज निकाला। हाय 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 शुक्रिया जनाब अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ के इज़ाफ़ा करे। इज़्ज़त दे कर दरे सैयदा मैं ही सूरज निकाला करूंगी। इज़्ज़त दे कर दरे सैयदा मैं ही सूरज निकाला करूंगी। इज़्ज़त दे कर दरे सैयदा मैं ही सूरज निकाला करूंगी। तर्जमा किया तो मैंने अरमान लगेगा तो यकीनन फिर ज़हीर नू कोई ना कोई आखेगा भी इतने समझा नहीं लैन दिता कसीदे पढ़ पढ़ के सिर लै जाना तो हूँ भी आना भी तेरी तेरे शहर तेरे ग्रां तेरी बस्ती तेरे पिंड कसीदा पढ़िया तो बाबा जी की मौजूदगी पढ़िया तो फिर लफ्ज़ का तर्जमा ज्यादा करना पड़ा। लफ्ज आ रहा बाला बाला माना बुलंदी बुलंदी तो उत्ता बाला ये छत वाला बाला नहीं बाला बुलंदी उस तो उच्चा एक बुलंदी हद है
اس دی حد نہیں بالا بابا لفظ بالا پورا قصیدہ ایک پاسے انہاں کہ بی بی تو گل کر رہی ہیں دنیا داراں دی چلو نوکر ایک پاسے بڑے بڑے نوکر سجدہ دے بوئے تے میں اسی سنے اتھے نبی کھڑے جدو نا کہ نبی کھڑے لائی والا بندہ کیمرہ موڑے میں لفظ بالا سمجھا سکا تے شین فرمایا سن لا عرش کے مالکوں سے جڑے میری قسمت کی میرا جو ہو سننا اللہ واسطے لفظ بالا کوٹلی آیا میرا ہاں ساڑی میری بات سمجھی دعا کر دئی میرا جو ہو مجھ کو حسنین جب ماں کہے خود کو نبیوں سے بالا شاباش ہاتھ چاوے ماتمی دے بولے حیدری بڑی نسل آباد سارے ہاتھ چا حیدری سین فرمایا مجھ کو حسنین جب ماں طبیعت لگی جناب دی چلو تھوڑا جڑ کے چلیے ایک بہت سطر پڑھ دا ایک لفظ ہے بڑی وکری بات بتاؤں بہتر کی توقیر کیا ہے یہ وہ رازداں ہیں جنہیں کربلا میں پتا بس چلا ہے کہ شبیر کیا ہے تو جو ہے جنہ میرے پاس تمہیں بی بی دی حوالے نہ لی بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ تے سوچ دیں نا اینا ماتمیانو اے ہی سمجھ نہیں ہم دے ہاں سائن سادی بھی بندہ پائن ساتھ ہاتھ سے دل تے زور نال مار لے تو دی ڈیتھ ہو سکتی یہی تو کوٹلی تو جلوس ٹوٹے آتے بھامے مین سٹاپ تے جانے آتے چلنے کوئی فرق ہی نہیں پوندہ تین وجہ حسین نو سوچنا دور دی گل لے پہلے ماتمی تے سوچ حسین نے ماتمی کے شان دے مالے اللہ تیری نسل آباد فرماوے تیرے ویڑے وستے رہا لو جی میں بڑی سادہ جی بات اچھا بابا پہنچ گئی سجدہ دے بوئے تھے پہنچ گئی ایک خطاب کرن تو بات کیسا موضوع خطاب کرن دے بات پہنچ گئی مدینے اتھے جا کے پتہ لگ گیا جی جڑی اتھے توڑی شہزادی آئی اتھے نکرانی بن گئی پتر ریایہ فوج حکومت سارے کٹھے ہو کے پھر زین کل ملن آئے تے پچھن آئے تے ویکھن آئے تو دروازے دے باہر پتر کھڑن اندروں آپ کھلو تھی پترا کیا اممہ تو انہوں ملن آئے بی بی دی پہلی گلتے میں توڑی ماں نہیں آئے 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 شکریہ بھائی شکریہ میں توڑی ماں آئی نہیں میں تطہیر دے حسار چاہتا تطہیر دے حسار چاہتا لہذا میں باہر تے آنا ہی نہیں اممہ سے سنے تے نکرانی بن گئی بی بی دی نکرانی تسی نہ کھو تو تسی نہ کھو میں سجدن دے بوئے تے آئی جنہ میں نو آکھنا جنہ دی میں نکرانی بن کے آئی کوئی میں نو ماں دے کوئی میں نو بہن آ دے کوئی میں دھی آ دے تسی نہ کھو اممہ سی سنے ہیں اتھے آکے برتن دھون دیو بی بی ادھی کاؤ سر دے پانی نہیں برتن دھون دیو کاؤ سر دے پانی بی بی ادھی جھاڑو اممہ سی سنے جھاڑو دین دیو بی بی ادھی جھاڑو اتھے دوین دے جتے دھوڑ ہوئے اممہ پھر بھی کوئی دست سہی بی بی ادھی میرے رتبے ود گئے میرے درجے ود گئے بابا جی پنجابی سرے کیا میرے رتبے ود گئے میرے درجے ود گئے جو میں یہاں وہ کوئی نہیں تو بھی اممہ دس سک نہیں ہے کی میں بھی بیٹھ کے سوڑ لو اے فضا نے فرمایا ہے میں اللہ رتبہ پایا ہے اے فضا نے فرمایا ہے میں اللہ رتبہ پایا ہے دساوہ میں جڑے دن رات عمل کرے دی نہیں دساوہ میں جڑے دن رات عمل کرے دی نہیں علی دے سوڑے بالے دے پاک بطول جلال علی دے سوڑے پاک بطول جلال سما کے جھولی دے وچھ لوریا میں دے دی رہی سبحان اللہ جناب آدھ جاوے حیدری جنہی کی دراز ہوئے علی دے سوڑے بالا نیت پاک بطول جلال علی دے سوڑے بالا نیت پاک بطول جلال علی دے سوڑے بالا
अम्मा कोई अमल तो तू ऐसा कीता ही अम्मा कोई अमल तो ऐसा कीता ही जिद सब तो वखरी हो गई है दूसरी सत्र चक्कर बंदा चुप रहा तर मान लगेगा बंदा तू लब सत्र मैं अपना सहन फरमाया अमल ये मैं कर दे रे जो पाक नबी अमल ये मैं कर दी रही दसिया हा जो पाक नबी उन जे बंदे दे चेहरे ते रौनक ना आई ते अमल दसण दा फायदा ही नहीं सहन फरमाया सुन ले अमल ये मैं कर दे रे दसिया हा जो पाक नबी दुश्मन ते मलान तपेली हाय 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 हा तू चबोलो है दरी बतूल दे हर एक दुश्मन ते मलान तपेंदे रे आ बतूल दे हर एक दुश्मन ते मलान तपेंदे रे आ सैन दा सदका तुसी बसो बीबी दा सदका आबाद रहो इमाम हुसैन दे सदके अल्लाह तुन किसी दा मोहताज न करे उतना जियो जितना तोडा दिल रखे हर बंदा औजाद दी जवारी जरूर करे इथे बहन खड़ी रही ते फिरा खुशदा रहे क्या बात है यार थोड़ी एक जुमला आखण लगा बड़ा बड़ा वखरा जो जुमला बाबा पहले कुठे फिर लुटे अजे लुट नू पई रोंदी आई ते माण मुक गए कानून नहीं अरब का कानून नहीं जंग हो रही होवे किसी दे हाथ मेहंदी होवे उन्हें नहीं मारना सेरे वाला नहीं मारना पिंगे वाला नहीं मारना प्यो मरींदा होवे धी आ जाए नहीं मारना फजाइल च मिन्नत होंदी है मुसाहिब च नहीं प्यो मरींदा होवे धी आ जाए नहीं मारना अगर वारिस मारे जान ते परदेदार वचन पहुंचाने करबला तो पहले तक ते कानून हन ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਹੋਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਰਬਲਾ ਐ ਛੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਪਿੰਘੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਏ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਆ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਪਿਓ ਮਰੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੀ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਾਫਰਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਸੀ ਰਸੂਲ ਕਤਲ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਬੁਰਕਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਛੋੜ ਦਿਓ ਧੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਧੀ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਰਹੀ ਨਵਾਰ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਧੀ ਆਦੀ ਰਹੀ ਨਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਛੁੜਾ ਵਣ ਲੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਰ ਰਹਾਂ और जिंदगी का रोह की अगर अजादार है बंदा ते करबला दे मैदान च लोग आपस च लड़ते रहन हुसैन नु मारन वास्ते जिन्हें नहीं समझ आई मैं जुमला से खोल देना बंदे एक दूए नाले आपस च लड़ के आदन ओ आधी मैं मारना है ओ आधी मैं मारना है ते जिन्हें नु मारन दा वल ना ही आंदा ना ओ ना भी हुसैन नु मारे है मैं सच पिया था जिन्हें नु मारन दा वल ना ही आंदा ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਕੋਈ ਹਾਇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੂ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮੁੱਕੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਪਹਿਰਾਦਾਰ ਆਈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਛੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਬਾਜੀ ਅਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆਈ ਤੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ
अज कासम की लाश के टुकड़े नहीं आए तो गाजी के बाजू लै गए जे को हाय करे तो मैं जुमला अखा अज गाजी के माण नू रोंदी पई आई या पींघे आला मारिया गया अज शबीर पींघे आला दफन पिया करदा मातमियो मैं तुहाडे नाल गल पे करदा या हुसैन दे भैण दे कन्ना ते आवाज ही है कोई मैं गरीब दी मदद करन वाला ओ मैं सदके जावा क्या बात है मैं पहले एक जुमला आखे जड़ा पहुंच गया पहले पहले कुठा ने हथ खोलो सदा दियो अल्लाह तुम सलामत रखे पहले कुठा ने फिर लुटा ने खैर मैनू अग लग गई बाबा अली दियां धियां दे माण मुक गए अजे शबीर की गर्दन का खून बंद होया ही नहीं तो एक कमीना हस के पिया हूं तो जंग मुक गई सामना उस भी लब्बा की मार छुड़िया मैं जुमला आखन लगा हाय तू कर दूसरा कमीना हाथ लग के अजे नहीं मुकी जंग तो हूं शुरू हुई अदे हूं की करना है जेडे इन्होंने मर्दन मारे गए हूं की करना माफी दे देना हस के पिया सहरा दी वहशत नाकी कीता क्यामत खेज ऐलान फरजंदे रसूल नु ज़िबा करके अजे नहीं मिटे अरमान ने मैं मातमी नाल गल पे करदा तेरी हाय मेंबर ताई आवे अदे करना की अदे अजे लुटनी है चादर बीबी आली अदी ओनु करना है सारो रिया ने ओनु पुछना है दस गाजी किथे तेरे परदे दा हमीद इब्ने मुस्लिम मुसलमान नहीं साइए मैं टिब्बे दी ओट च बह के वेदा रही हां मैं आख्या पालने वाला कानून आई जे अगर वारिस मारे जान ते परदेदारां नूं वतन पहुंचाना है कि कैसे लोग इन जेड़े इन्हां दे वारसां नूं मार के हुण लुटण जा रहे हैं अदे भावे ईसाईआं मैं आख्या रब्बे ईसा क्यामत भेज दे ये दुनिया हुण ना बचे उन्हां दा तरी यही कोई नहीं अदे वो तुर पे अदे फिर खैमियां दे विच्चों चीखां बुलंद होईआं माफी देना जुमला आखण लगा चीखां बुलंद होईआं एक खैमे नूं अग लगी मुड़ दूसरे नूं जिवें जिवें खैमियां दी अग वधदी गई एक तो दूसरा ते बीबियां खैमे बदल दियां गईयां इस खैमे नूं अग लगी पहले इत्थे कटियां फिर दौड़ के अगले खैमे च गईयां उस नूं लग गई फिर अगले अदे खैमियां नूं अग लगदी गई बीबियां दौड़दियां रही फिर यकदम जिवें तस्बी त्रुटे ते दाणे नहीं निखड़दे जदों खैमे बचे कोई ना कोई किदां ही दौड़ पिया कोई किदां ही दौड़ पिया अदे अल्लाह और बाबा जी मैं एक जुमला कल भी पिया दऊं ये जेडे तारीख च लिखे ने तो तुसी सुन दे हो अल्लाह जाने कितने ऐसे सादात दे बच्चे ने जेडे तारीख च लिखे ही नहीं जेडे निखड़ गए ते मुड़ लभे ही नहीं अदे फिर खैमे नूं अग लगी ते लुट पै गई ते मारो मारो दी आवाज अदे मैं जे ने सोचा भी देह नूं ते मर्दां नूं मार रहे हन उदों ते मारो मारो दी आवाज आई ये समझ नहीं आ रही बीबियां नूं क्यों मारन लग पए आधे जिस दरवाजे का अब्बास पर अदा रही शिमर घोड़े ते बह के उस खैमे च वड़ गया मैं नहीं पता कोटली वाले अज इतने हाजिर हो हाय कर लेना मैं कदे सख्त लफ्ज इस गल च आखिया ही नहीं अल्लाह जाने उस अली दी धी दी चादर लुट के में लई चादर लुटी ते अली दी धी मिट्टी ते जण पई बुजुर्गों की सदर बाबा इतने याद आ गई एक होंदे उजड़े याद आ कर उजड़े नु कोई ताना ना मारे अली दी धी मिट्टी ते बह के रोन लग पई ते कमीना हस के पिया दे हुण रो नहीं मलका यसरब दी कर गुजरे वेला याद तेरी कुल कायनात ते तक नहीं पौंदी हनमान अब्बास विरा दे हस के पिया दे हुण रोंदी क्यों है सड गाजी नो तेरी आन करे इमदाद कोई हाय करे ते लफ्ज खा दे मैं लुटनी है चादर हर बीबी दी हौसला 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 कोई बस लगदा इत्थे लावे इत गल करके टुर पिया ते चादर लेके टुर पिया जख्मी अली दी धी इन करके ना वालां दा पर्दा बना के बैठी मैं वेखणा हमीद अदे मुड़ नूं ख्याल आया माफी देना इत्थे भी एक लंबी चौड़ी बात है उन्हों ख्याल आया भी मान ते मुक गए ते बच्चे कौन कट्ठे करे अल्लाह जाने हो बीबी दाखल किवें होई फिर बाहर निकली फिर उस बच्चे कट्ठे कीते अदे फिर वापस आके ना एक खेमा है जिन्हों अग लगी हुई है उस खेमे दे कोल खड़ी है
वो बड़े वस ला रहा था। मैं टिब्बे की ओट च बह के मुड़ के वेख्या, मैं कहीं ना तरीका कोई नहीं हो सकता, मैं इसकी मदद कर सका। मैं उठ उठिया, मैं कोल आ गया, मैंने वेखना जेडे बाबा जी अदब सुनते हो। मैं आसान तरीके नाल जुमला समझा रहा, आदा मैं कोल खड़ा होके हाथ बन्ने, मैं कंड करके आख्या बीबी इंज करके, बीबी थोड़ा रिया कोई नहीं, अगर तू आखे तो मैं तेरी मदद करा। बिस्मिल्ला हमीद हमीद आता जो मेरा ना लिया ना, ते मैं कपालने वाला जी बगैर दसिया मेरा ना जान दी है या किसी नबी दी धी है। हौसले नाल जी, हौसले नाल, हौसले नाल, हौसले नाल, या किसी इमाम दी धी है भी मैं ते इन्हू दसिया ही नहीं मैं कौन हाँ, ते उस मेरा ना ले ले। हमीद आता मैं उन्होंने आख्या बीबी मैं तेरी मदद कर लगा, अदी बिस्मिल्ला हमीद हमीद आता मैं तुर पिया, मैं खेमे दे सजे हो खबे हो बस बड़े लाए, मैं खेमे अंदर वादा आ कितनी तेज आई, मैं फिर उमें मायूस होके ना ते वापस आ गया, उत्थे ही आके खड़ा हो गया जिथो मैं अगे गया, ते मैं फिर हाथ बन्ने, मैं कहा बीबी मैं बड़े वस ला चुकिया बड़ी तेज आगे। हमीद आदा उहदा जुमला मेरे साह मुका गया, जद जदों मैं आख्या ना नहीं लंघ सकिया मैनू अदी हट जा तेरा लगदा जो कुछ नहीं, हुण मातम दी सदा बुलंद होई है, मेरा बीमार पुत्र है मैं आप वै नहीं हां। क्या बात है यार, थोड़ी नस्ल आबाद हो, अल्लाह थोड़े वेड़े वस्ते रखे, बड़ी सोहनी रूहानियत आ। फिर मैं फिर उत्थे टिब्बे दे ओटे चा के बह गया, अदे उत्थों मुड़ के मैं डिठा तो बीबी उत्थे कोई नहीं। मेरे ज़हन में ख्याल आया आग तेज आई, यकीनन सड़ गई है जल गई है, क्योंकि आग ही बड़ी तेज आई, वो तो अपनी जात तो हटती नहीं। अदे मैं जे लभदा वदम भी वह नूर नजर नहीं आ रहा, यकदम हो सकिया वो खेमे दे विच्चों बाहर निकली, तो और फिर कल्ली नहीं निकली। अदा मेरी हैरानी की हद मुक गई, एक जवान नु कंड ते चा के ते अदा उहदा वैण लाशां तड़पा गया, मकतल दे पासे मुंह करके दिए तैं तत्ती रेत तो चाया मैं बल्दी अग चो चाई, तैं मेरा अकबर चाया मैं तेरा सजाद, हुसैन वेख भैण तेरा उधार लहाई। मरहबा मरहबा मरहबा, तेरे मातम कबूल होए, तेरा मातम कबूल होए। मारो मारो दी आवाज है, एक वैन बुलंद हो गया, अल्लाह मैं लुटी गई हां। अदा ऐसा वैन आई के नगरी हली है, अब्बास दी लाश तड़पी है। मैं आख्या मरण के बाद भी अब्बास इतना तड़पदा है, ये कौन बीबी है? उस बीबी हकल मारी, अम्मा फिजा जी आलिया पता करना ये कौन है जड़ी एडे औखे बहन कर रही है, तो सामने आ कह दी सुजान मैं होर कोई नहीं मैं गाजी दी बहन, तो बहन तेरी केड़ी केड़ी आराम नाल मैं सत्रह प्या दा ताकि तू रज के रो लवे मेरे भाई की मेहनत पूरी हो जाए। बहन केड़ी मजबूरी बन गई एडे औखे बहन रो के पे दी, छे पुत्र नस्ल मुक गई है, रोंदी इस वास्ते पईआं जदों दी अग लगी है ना मैनूं धी नहीं पी लभदी, तो बैठ रो नहीं क्योंकि अग तेज आई, इस वजह तो शोर ज्यादा ही, शायद किदां ही ना टिब्बे दी ओट नाल डर के बैठी हो तू, परेशान ना हो। मलका जंजबार पहले टुर पई अली दी धी दे हुक्म ते, अम्मा पता करना जल्दी कर, ते टिब्बे दे उत्ते चढ़ीए ते नजर आया जिवें सामने ओ कोई मिट्टी ते मुंह दे बाहर लेटिया है, इशारा करके दी अली दीआं धीआं रोवो नहीं ओ मिट्टी ते सुती पई है, मैं सैयद समझ के माफ करना, मेरा अपना घर है फिर भी मैं तेरा मेहमान हाँ, सफर जो करके आया, अब्बास दे अलम ते मेरा हाथ है, अली दीआं धीआं उथों तुर पईआं आ के उन्हां मुस्लिम दी धी इंज चाहिए जिवें करबला इच शबीर कासिम नूं चाहिया। अली दीआं धीआं दे पहुंचण तों पहले घोड़े भज गए, धी दी लाश दे टुकड़े मावां कट्ठे कीते, मैं पढ़ लिया तो सुन लिया, कहंदी लाश दे टुकड़े धी दी लाश कट्ठे कह कीते मां बंदे आ दिन कानून है प्यो पुत्र दी बाबा मैयत ना चावे इंजी है ना, ते असीं अजे भी ना रोवीए करबला च धी मां दी लाश चाही, ते मां धी दी लाश च, मैं जुमला बदला के आखा ना, मां धी दी लाश दे टुकड़े चा के तुर पई, ते मां दफन पई कर दी आई, ते एक वैण होर बुलंद हो गया, अल्लाह मैं गरीबा कोई ऐसा वैण हाई हल गई कायनात, हैवाना दियां गोडियां जमीन चा लगियां, ओ मैं सदके जावां, मैं क्या आख्या जी हैवाना दियां गोडियां
जमीन च आ लगिया कायनात हली हुसैन तड़पया कई कई गज अब्बास की लाश तड़पदी है उठींदी है झड़दी है अकबर तड़पदा है अब्बास तड़पदा है हुसैन तड़पदा है ठड्डा साहब हकी अम्मा फिजा ये बीबी कौन है जिदे वहना नाल मेरा हुसैन पे तड़पदा है मजबूरी बन गई आदि दरवाजे ते नहीं आ मेरे पुत्र नु त्रै फल्ला तीर मारिया बीबी आदि तुहाडा हुक्म आई मैं जंग नहीं कीती मैं वेधी रही आ मैं रुन्नी नहीं रोंदी इस वास्ते पईआं जदों दी अग लगी ऐ सकीना नहीं लभदी अकल मार के दिंदा जदों अग लगी आई मैं डिठे मेरी पुप्पी दे दामन अग लगी आई मेरी पुप्पी मक्तल दे पास गई है मक्तल दा नाम है अली दीदी अकल मार के प्यारी अकबर जवाब दे तेरी भैन नहीं लभदी जेड़ा बंदा जे तई नहीं नोस गया अकबर दा नाम है अकबर दी लाज लिए ते मां दे पास रे कद इक लाजा पहले चुमदी रही है मेरा आनक जख्मी सीना अकबर दे वल फजल दे प्यादी हौसला 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 लाश दे पास तुर गई है भैन बोलो बोलो दादारो अगली सतर भी पढ़ा अकबर गाजी दे पास गई है बीबी अली अब्बास जवाब दे तेरी भैन नहीं लभदी मासूमा नहीं पई लभदी गाजी दी लाश तड़प गई है आदे आई जरूर है पर मैं औखे कर दी आई बीबी अली अके आदि आई गाजी आदे मैनू आदि आई आ निंदर गई आई असा उजड़ गया कि थाल के डेरे लाए नी उठी वेख चाचा अब्बास दी लाश ते पुछया गाजी आदे मेरे कोल टुर गई गई केड़े पासे बाबे दी लाश ते माफी देना माफी देना धीआं नूं पीओ नाल ढेर प्यार होंदा अल्लाह रिश्ता ही ऐसा बनाया प्यो धी दा और सामने मकतल च गई है पुछ दी गई आदि चाचा मैं बाबे नूं मिलन जा रही हूं चाचा बाबे दे बगैर मैं सुकून नहीं हूं चाचा मैं बाबे दे सीने ते सर रखसा चाचा मैनू नींदर आवे सी नहीं आ बंदा मजलिस जेड़ा हुण तई हाजर आई उस हाय नहीं कीती अली दी धी इत्थे खड़ी है ठोकल मारी हुसैन जवाब दे तेरी धी नहीं पई लभदी जेरे घर चला दे बुजुर्गां दी सतर याद आ गई है अली दी अधिया हकल मारी है शबीर दी बगैर सर ते लाश उठी है ते रो के पिया दे ना उच्चा बोल पिया नो लशर दमा दमा पिया नो लख सुन गई ही कोल मेरे आ गई है मेरे जख्म गिनी दे आखोल पुजी मेरे सीने ते हौसला 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 एक सत्र दी और इजाजत भी है अजे भिरा दी लाश ते अली दियां धीयां नन पहुंचियां या हाथ रुधियां रात औखी लंगी अली दियां धीयां दी यतीम कठे कर दियां बाबा यतीम कठे कर दियां की आख्या मैं यतीम कठे कर दियां इत्थे बुजुर्गां दे इक वैण है सुनाओ जी ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਭਈਆ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਤਿੱਬਿਆਂ ਚ ਲੁਕਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੋ ਕੇ ਭਈਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੇ मेरा गल भी जख्मी हसला हसला हम रात पई आई मैं तेनू मिलने आई आ सैयदी आवाज पिया दी मासूमा दस तो सही दिबदी किवें पई आई रो के पिया दी बाबे दे चल के मासूमा आके मैं दे चल के मासूमा आके शामे गरीबा तो थोड़ा शामे गरीबा तो थोड़ा गर्दल तेरी ते जा खंजर चल गर्दल तेरी ते जा खंजर
उस शख्स बाबा मेरे दूर लाए गर्दल तेरी दे गर्दल तेरी दे उस शख्स बाबा मेरे दूर लाए